कहते हैं मौत कहकर नहीं आती, हमें संभल कर चलना होगा। वाहनों का उपयोग हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गलती हमसे नहीं सामने वाले से भी हो सकती है। ऐसी ही एक हृदय विदारक घटना देखने को मिली। दर्दनाक घटना के पीछे से ट्रैक्टर में बाइक घुसी। बाइक पर सवार पति पत्नी सहित 8 साल की बच्ची की मौत, एक 3 वर्ष की बच्ची घायल। बाईपास पलिया चौराहे पर रात ट्रैक्टर चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से बाइक ट्रैक्टर से जा टकराई। ये भिड़ंत इतनी भयावह थी कि बाइक पर सवार पति पत्नी और 8 साल की मासूम की मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 वर्षीय बालिका भी घायल हो गई है। नागदा मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद शर्मा ने मीडिया को बताया कि नागदा बाईपास पालिया चौराहे के पास शुक्रवार रात ट्रैक्टर और बाइक का एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी। हादसे में बाइक सवार 40 वर्ष व उसकी पत्नी 35 वर्षीय और 8 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। गनीमत ये रही कि दुर्घटना में बाइक सवार पर मृतक की दूसरी बेटी 3 वर्षीय चंचल भी घायल हो गई, जिसे सिविल अस्पताल नागदा में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। एक ट्रैक्टर जिसकी ट्रॉली में पीछे खंभे लगे हुए थे, उसने अचानक ब्रेक लगा दी तो पीछे से आ रहा है एक अपने रोहर खोद के अनिलपुरी और उनकी मिसेज, उनके दोनों बच्चे घायल हो गए थे, जिसमें कि अनिल पूरी उम्र करीबन 40 साल मौके पे एक्सपायर हो गए। बच्ची को उसकी उनकी पत्नी को हॉस्पिटल लाया गया, तो हॉस्पिटल से महिला उनकी जो पत्नी थी मायाबाई जिनको रेफर कर दिया गया, तो उज्जैन वो उज्जैन में एक्सपायर हो गई। और एक छोटी बच्ची थी 8 साल की, वो यहाँ पे एक्सपायर हुई। और 3 साल की एक बच्ची थी चंचल, जो जिसका अभी इलाज चल रहा है। और ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध 304 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और ट्रैक्टर विधिवत जब्त कर लिया गया, अभी चालक फरार चल रहा है। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंपा गया। टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए नागदा से चंद्रभान सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।